हाय गाइस, आज मैं आपको लेके चलती हूँ एग्जीबिशन में। जो दो दिन के लिए एग्जीबिशन लगा हुआ था मुंबई में, और यहाँ पे 24 अगस्त एंड 25 अगस्त को, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स की, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स, आपको कम प्राइस में ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करने लगे ये कुर्ती की क्या प्राइस है, जो कि स्टार्टिंग प्राइस हम लोग को 500 थी, और यहाँ पे 200 300 ऐसे प्राइस की भी बहुत सारी ब्रांड्स की टी शर्ट है, टॉप है, कुर्तियाँ है, सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ था। यहाँ पे बीबा ब्रांड्स की कुर्ती मिल रही थी जो कि 500 की थी, तो इसमें बहुत सारे कलेक्शन थे जो कि हम लोग को कोई ख़ास नहीं लगी। फिर हम लोग ये टॉप, वेस्टर्न टॉप देखने लगे, जो स्टार्टिंग प्राइस 300 थी। जो जितनी भी टी शर्ट आपको दिख रही है, टॉप दिख रहे हैं, वो 300 प्राइस के थे। और ये है वेजिटेबल्स के लिए जो बैग्स होते हैं, वो है आपको अगर कुछ शॉपिंग करना हो तो ये शॉपिंग बैग्स हैं। यहाँ पे कुशन थे और शॉपिंग बैग थे, पर थोड़ा उठाने में हैवी थे, तो इसलिए हम लोग इसे अवॉइड करके आगे निकल गए, क्योंकि ये बैग थोड़ा हैवी थे। उसके बाद फिर हम लोग ब्लैंकेट की तरफ गए, जो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ब्लैंकेट आपको 900 में मिल रही थी। यहाँ पे इसके बहुत सारे कलर थे और बहुत प्यारी ब्लैंकेट थी, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये इसके कुछ कलर हैं, जो ये जितनी भी ब्लैंकेट आप देख रहे हैं वो सब 900 की थी। और इस एग्जीबिशन का जो बेस्ट पार्ट हम लोग को लगा वो ये बैग्स थे, जो बैग के कलेक्शन यहाँ पे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आपको बहुत सारे ब्रांडेड बैग आपको बहुत सारी कम प्राइस में मिल जाएंगे, जैसे गेस के हो, डियोर के हो, बहुत सारे बैग आपको बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहे थे, जो 1500, 1000, 2000, जो बैग्स आपको शॉप पे 5000, 6000 ऐसे मिल रहे थे, वो यहाँ पे 2000, 1500 इस टाइप के मिल रहे थे। और बैग्स में बहुत सारी डिज़ाइन थी, जैसे कि ये सब डिज़ाइन देखिए, जो भी हम लोग देख रहे थे वो 2000, ये गेस के बैग जो मुझे बहुत पसंद आया था, इसकी प्राइस वो 2000 बता रहे थे।
और ये सब फुटवेयर जो आप देख रहे हो वो सब ब्रांडेड फुटवेयर से है, और ये आपको 500-600 ऐसे प्राइस में मिल रहे। और ये सब बच्चों की हैं जो कि इसमें पिंक और ब्लैक कलर में कॉम्बिनेशन थी। और यहाँ पे बहुत सारी जैकेट्स, मैन के कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि जीन्स हैं, उनके टी शर्ट, ट्रैक्स हैं, जो आपको बहुत सारी कम प्राइस में मिल रहे। और ये सब जितनी भी टी शर्ट आप देख रहे हो सब ब्रांडेड टी शर्ट है, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स की सारी यहाँ पे टी शर्ट है। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स थे जो आपको 500 में मिल रहे थे, और टी शर्ट ट्रैक्स ये सब वो 800-700 आपको ब्रांडेड टी शर्ट मिल रही थी। यहाँ पे बच्चों की भी बहुत सारी ब्रांडेड टी शर्ट थी, और इसमें आपको 400-300-500 ऐसे प्राइस में थी। और ये सब जितने भी आप बेल्ट्स देख रहे हो ये सब ब्रांडेड बेल्ट हैं। और यहाँ पे वॉलेट था, और गॉगल्स है, जितने भी आप सब देख रहे हो या तो फर्स्ट कॉपी है या तो सब ब्रांड्स के हैं।
यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि आपको दिखाने वाला कोई भी नहीं था, आपको खुद सब चेक करके देखना पड़ रहा था और जितनी भी सब चीज़ें बिखरी हुई थी जो कि आपको उठा उठा के खुद चेक करके खुद लेना था। और यहाँ पे ये 200 की जितनी भी आप टॉप देख रहे हो सब 200 के थे। और फिर हम लोग बच्चों के ड्रेसेस देखने लगे जो हम लोग को 300 में बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत बीबा के हो या कोई भी जितने भी ब्रांड्स के भी हो सब ड्रेसेस यहाँ पे मिल रहे थे। तो बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे सेक्शन में गए। यहाँ पे बेडशीट है, टॉवल्स है, डोरमेट है जो मिल रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे पिलो कवर है और पिलो है चेक करने लगे। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पिलो कुशन सब मिल रहे थे।
आप लोगों को मैं विंटर कलेक्शन दिखाती हूँ, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छे अच्छे विंटर कलेक्शन थे। आपको डियोर की बहुत ज़्यादा हुडी बहुत अच्छी प्राइस में मिल रही थी, ये ओरिजिनल थी। आपको बहुत सारी इसमें कलेक्शन मिल जा रहे थे। विंटर कलेक्शन हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। और यहाँ पे जो भी लगा हुआ था सब पे बहुत अच्छा डिस्काउंट था, जैसे हैंडबैग हो आपको, बेडशीट हो, ड्रेसेस हो, परफ्यूम हो, सब पे बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था। इसकी जो भी प्राइस थी बहुत अच्छी थी, जैसे कि 500, 300, 200, 1000 के ज़्यादातर अंदर ये सारी थी। तो यहाँ पे जो प्राइस थी एग्जीबिशन की वो बहुत ज़्यादा सही थी, डिस्काउंट बहुत अच्छा लगा हुआ था यहाँ। और पता है आपको यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी हम लोग के साथ? सामान तो सब कुछ हम लोग ले लिए थे, पर जब हम लोग बिल पेमेंट करने के लिए गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, जिससे कि हम लोग को बहुत तो टाइम तक वेट करते रहे पर हम लोग बिलिंग कर नहीं पाए। तो हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं ले पाए, तो बहुत टाइम हम लोग यहाँ पे वेस्ट करने के बाद हम लोग को मिला कुछ भी नहीं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ बिलिंग करने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, जो कि हम लोग को वहाँ पे बिलिंग कर ही नहीं पाए और हम लोग को सब सामान वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग का यहाँ पर बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।